हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में ये टेक्निक आती है, और ये आती है मशीन डिपेंडेंट टेक्निक में, मतलब जहाँ पे प्लेटफॉर्म या फिर आप मशीन के ऊपर कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी है, और उसके बेसिस पे अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो वन ऑफ द टेक्निक है, दैट इज पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या टेक्निक है, होती क्या है, या फिर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वहां पे भी इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो गाइज, सारे पॉइंट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में कवरअप करवाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पीपहोल? पीपहोल का मतलब क्या है? स्मॉल विंडो। स्मॉल विंडो, या जैसे आप कह सकते हो जैसे गेट के ऊपर बना होता है ना दूरबीन, जैसे होटल वगैरह में आपने देखा हो गेट के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां से आप बाहर की तरफ देख सकते हो, जहां से कहीं ना कहीं आपको करना क्या है कि स्मॉल पीस ऑफ कोड, अगर हमारे पास बात करें हम स्मॉल पीस ऑफ कोड में हम ये अप्लाई करते हैं मेथोडोलॉजी, और ये हम रिपीटेड वे में अप्लाई करते हैं, और ये टेक्निक जो है वो इसको बोलते हैं हम थोड़ा लेट। लेट का मतलब क्या है कि जब हमने मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, मतलब जब हमने अपने सोर्स कोड को फाइनली कन्वर्ट कर लिया टारगेट कोड में, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन। तो जितने भी ये पॉइंट है गाइस सारे लिख लेना, मशीन डिपेंडेंट है, स्मॉल पीस ऑफ कोड पे हम अप्लाई करते हैं, रिपीटेडली हम इसको अप्लाई करते हैं, और जब टारगेट कोड बन गया तब हम इसको एक्चुअल में अप्लाई करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि हमें टाइम को कहीं ना कहीं सेव करना है, हमें कहीं ना कहीं मेमोरी को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करना है, पावर कंजम्पशन को कम करना है, या आप बेसिकली कह सकते हो कि अगर मेरे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्मॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस, ऐसा पर्टिकुलर कोड जो ज्यादा टाइम ले रहा है, ज्यादा मेमोरी ले रहा है, उसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पीपहोल में हमारे पास सबसे पहली टेक्निक आ जाती है रिडंडेंट लोड एंड स्टोर। तो रिडंडेंट लोड एंड स्टोर का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, D is equal to A plus C, ये हमारे पास कोई कोड है, तो लेट से हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव बी आर नॉट, मतलब हमने पहले B को आर नॉट रजिस्टर में मूव किया और फिर हमने उसमें ऐड क्या कर दिया, C, ऐड C कर दिया, मतलब B plus C यहाँ पे परफॉर्म हो गया। उसके बाद हमने आर नॉट में क्या है B plus C, उस वैल्यू को हमने A में डाल दिया, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है मूव A टू आर नॉट, मतलब अब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को करना है, तो अपने आर नॉट में जो भी डेटा पड़ा है, मतलब हमारे पास जो आर नॉट का डेटा हमने A में डाल दिया, अब A का डेटा दोबारा से फिर आर नॉट में डाल रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कि A में क्या है, A इज एक्चुअली B plus C, तो B plus C हमने आर नॉट में डाल दिया, फिर हमने ऐड कर दिया उसमें ई हमने ऐड कर दिया, और फाइनली हमने वैल्यू जो है वो आर नोट की डी में डाल दी, तो ये असाइन कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो रिडंडेंट लोड एंड स्टोर का मतलब क्या है, ये देखो, ये मतलब आर नोट की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे R नोट की वैल्यू A में डाली, और फिर हम A की वैल्यू दोबारा से R नोट में डाल रहे हैं। तो बेटर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को यहां से हटा भी दें, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को यहां से हटा भी दें, तब भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। कैसे, ये देखो, R नोट की वैल्यू हमने A में डाली, अब A जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, A हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा से A की वैल्यू R नोट में लोड करने की जरूरत नहीं है। तो रिडंडेंट लोड एंड स्टोर वैल्यूज को अगर मैं हटा दूं, मतलब बार बार मैं लोड एंड स्टोर कर रहा हूं उसको मैं हटा दूं, तो कहीं ना कहीं आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें स्ट्रेंथ रिडक्शन की, तो देखो स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब क्या है कि कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं, मेमोरी भी कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम किसी, आप कह सकते हो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे ऑपरेशन जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग है, हम उसको किसी लो वर्जन में क्या कर रहे हैं, या आप कह सकते हो लो स्ट्रेंथ वाले में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर करना है, मतलब यहां पर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन है, एक्सपोनेंट की बजाय हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो x into x लिख दिया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इसकी जो है वो रिड्यूस करके हमने इस फॉर्मेट में कर दिया। ऐसे ही लेट से मुझे x into 2 करना है, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसको एक सिंपली वे में क्या कर सकता हूं, या तो मैं उसको लिख सकता हूं लेफ्ट शिफ्ट। अब रजिस्टर्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं, ये सारी की सारी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे इसमें ही अगर हम बात करें, इसमें अगर आपके पास 3 एड्रेस अगर इंस्ट्रक्शंस हैं, या आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास 3 ऑपरेंड की इंस्ट्रक्शन है, तब तो आप सिंपली यहां पे ये भी कर सकते हो, ऐड
ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू डालो और ए में आ जाएगी। लेकिन ये तब कर सकते हो जब आपके पास थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, आपका जो मेन फंडा ऑप्टिमाइजेशन का यही है कि कैसे हमने कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन ये मेथोडोलॉजी कहीं ना कहीं मशीन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। वही जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था लेफ्ट शिफ्ट, अब आपके पास इतने रजिस्टर्स हैं कि आप रजिस्टर्स के थ्रू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली फिर रादर देन मल्टीप्लिकेशन आप लेफ्ट शिफ्ट करो, डिवीजन करना है राइट शिफ्ट कर दो। आपको पता है ये राइट शिफ्ट क्या होता है, डिवीजन बाय टू, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बाय टू। अगर आपको लेट से मल्टीप्लीकेशन बाय फोर करना है तो दो बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आठ से मल्टीप्लाई करना है तो तीन बार लेफ्ट शिफ्ट, वही सेम आप डिवीजन के लिए लगा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वो स्ट्रेंथ को, जो आपके हैवी ऑपरेशन है उनको लाइटर ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है। देन अगर हम बात करें सिंपलीफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारा काम हम कब कर रहे हैं, कंपाइल टाइम पे कर रहे हैं। तो कंपाइल टाइम पे हम लोग एक और ऑप्टिमाइजेशन यहां पे कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से है, a इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। अब इस टाइप के एक्सप्रेशन को आप हटा ही दो तब भी काम चल जाएगा, आप a प्लस जीरो कर रहे हो, आप इसको अगर हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही आंसर तो a ही रहेगा, चेंज तो कोई आएगा ही नहीं। ऐसे इंटू वन करोगे सेम आंसर रहेगा, डिवाइड बाय वन करोगे सेम आंसर रहेगा, माइनस जीरो करोगे सेम आंसर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को कंपाइल टाइम पे ही हटा दो रादर देना उसको रन टाइम पे। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, जब एक्चुअल में आप सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें जो कंपाइलेशन टाइम है, जो कंपाइल कर रहे हो ना, उसी टाइम पे अगर आप इनको हटा दोगे तो रन टाइम पे जब एक्चुअल में कोड एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे आपको ऑप्टिमाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन आपको यहां पे हेल्प करती है। देन रिप्लेस स्लोअर इंस्ट्रक्शन विद फास्टर, मतलब स्लोअर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, एड वन इंटू आर, मतलब रजिस्टर में हमने क्या करना है, वैल्यू एड करनी है। तो पहले आप रजिस्टर से वैल्यू लोड करोगे, उसमें आर इज इक्वल टू आर प्लस वन करोगे, फिर वैल्यू को दोबारा स्टोर करोगे। अब आपका अगर सपोर्ट करता है, अगर आपका प्रोसेसर जो है रिस्क है, सिस्क है, 80856 डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन अगर आपके जो प्रोसेसर है अगर वो इंक्रीमेंट आर को सपोर्ट करता है तो रादर देन दिस हैवी इंस्ट्रक्शन आप क्या करो उसको फास्टर इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दो। डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन करनी है, रादर देन सब्ट्रैक्शन आप डिक्रीमेंट को यूज करो। ऐसी अगर हम बात करें जैसे जावा बाइट कोड की बात करें, तो ये जावा बाइट कोड का एग्जाम्पल है, लोड किया x को, दोबारा से फिर लोड किया x को, फिर मल्टीप्लाई किया दोनों को, रादर देन दिस आपने क्या किया, x को लोड किया, फिर डुप्लीकेट फंक्शन यहाँ पे यूज करिए। तो डुप्लीकेट क्या करेगा, डुप्लीकेट जो है वो जो वैल्यू आपने अभी अभी लोड किया है स्टैक में, टॉप ऑफ द स्टैक में आई, उसी को कॉपी करके दोबारा से फिर टॉप ऑफ द स्टैक में डाल देगा। तो रादर देन दिस स्लोअर ऑपरेशन आप फास्टर ऑपरेशन को यूज कर सकते हो, या आप इसको आप ये भी बोल सकते हो मशीन के जो ईडियम्स हैं उनको एक्चुअल में आप यहां पे यूज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। देन डेडलॉक, फिफ्थ हमारे पास आ जाता है डेडलॉक एलिमिनेशन। डेडलॉक एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके कोड में कोई डेड कोड है, डेड कोड मतलब ऐसा पीस ऑफ कोड जहां पे आपका एग्जीक्यूशन पहुंच ही नहीं रहा, जहां पे आपका कंट्रोल पहुंच ही नहीं रहा, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्चुअल में आउटपुट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो भैया उसको लिखी क्यों रखा, उसको आप सिंपली यहां से हटाओ। ऑल्दो इसको एनालाइज करना इतना ईजी नहीं है, आजकल तो बड़े पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम्स और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन ये टेक्निक्स जो है कहीं ना कहीं काफी पुरानी जो है वो मेंशन की हुई है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो जैसे डेड कोड का एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहां पे हमने एक यहां पे डेड जो है वो नाम से फंक्शन बना लिया, अब ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी ए इंटू 10, अब यहाँ पे देखो रिटर्न सी, मतलब ये जो हमारा कोड है, ये जो हमारा फंक्शन है रिटर्न कर रहा है वैल्यू ऑफ सी। अब उसके बाद ये जो मैंने बी इज इक्वल टू 30 लिखा या बी इज इक्वल टू बी इंटू 10 लिखा, यहां तक कंट्रोल कभी आएगा ही नहीं, तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज योर डेड कोड, दिस इज योर व्हाट, डेड कोड, ऑलरेडी डेड कोड, नॉट डेड लॉक, दिस इज एक्चुअली डेड कोड। तो ये देखो, ऑल्दो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू को 20 असाइन कर दिया, लेकिन इसको हम कहीं पे फर्दर यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये डेड कोड जो है वो कहलाएगा। अब इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको हम सिंपली यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी कम होगी, मेमोरी यूटिलाइजेशन कम होगी, टाइम भी आपका कम लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज हो सकती है। ऐसी आप कॉन्स्टेंट प्रोपेगेट कर सकते हो। कॉन्स्टेंट प्रोपेगेट का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ए इंटू 10, अब ए की वैल्यू यहाँ पे फिक्स ही है 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, आप सी की वैल्यू डायरेक्टली जो है वो 100 असाइन कर दो, तो कहीं ना कहीं आप
इस टाइप से ऑप्टिमाइज करके टाइम को, पावर को और कहीं ना कहीं मेमोरी को क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो पीपहोल ऑप्टिमाइजेशन में इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। बेसिक फंडा जो मैंने आपको बताया थ्योरी वाले वो सारे याद रखना, दिस इज मोर देन सफिशियंट। थैंक यू।